नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 14 में से 11 मेयर का टिकट काट सकती है भाजपा। लखनऊ से डिप्टी सीएम की पत्नी दावेदार, अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत रेस में आगे। यूपी में आज यानी मंगलवार से निकाय चुनाव के पहले फेज का नामांकन शुरू होगा। टिकट के दावेदारों ने लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगानी शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर के बाहर बड़ी संख्या में टिकट दावेदार पहुंच गए। कुछ ऐसा ही हाल सपा और बसपा मुख्यालय का भी रहा। फिलहाल भाजपा में सबसे ज्यादा टिकट के लिए मारामारी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा 14 मेयर प्रत्याशियों में 11 का टिकट काट सकती है। सिर्फ 3 का ही रिपीट होंगे। ऐसे में भाजपा के टिकट के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद है। भाजपा ने टिकट की प्रक्रिया को व्यापक बनाया है। इसके लिए निकाय प्रभारियों और संयोजक नियुक्त किए हैं। ये 3 नामों का प्रस्ताव पैनल क्षेत्रीय टीम के जरिए प्रदेश की टीम को भेजेंगे। इसके बाद मेयर का टिकट फाइनल होगा, जबकि पार्षदों के टिकट को प्रदेश की टीम का पैनल ही फाइनल करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी भी दावेदार। सबसे पहले बात प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाली मौजूदा मेयर संयुक्त भाटिया आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद फिर से टिकट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रही है। संयुक्त भाटिया बीते भाजपा के मेयर चुनाव के इतिहास को देखते हुए दोबारा दावेदारी कर रही हैं। फिलहाल संयुक्त भाटिया टिकट कटने की मुख्य वजह भाजपा की उम्र सीमा मानी जा सकती है। संयुक्ता के अलावा उनकी बहू रेसू भाटिया भी दावेदार हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, अपर्णा यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी दावेदार हैं। भाजपा किसी नए चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। वाराणसी, भाजपा के 30 दावेदार। वाराणसी नगर निगम चुनाव में भाजपा के 30 दावेदार हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा से प्रत्याशी के रूप में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नाम की चर्चा है। अशोक चौरसिया, सुधीर सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नाम की भी चर्चा है। हालांकि विद्यासागर राय का नाम प्राथमिकता पर है। कानपुर में सांसद अपने परिवार को टिकट दिलाने की पैरवी में। कानपुर से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मेयर प्रमिला पांडे को दोबारा टिकट दिए जाने को लेकर पैरवी कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर से सांसद भोलानाथ सिंह अपने परिवार के सदस्यों को कानपुर का टिकट दिलवाने के लिए पैरवी में लगे हैं। फिलहाल कानपुर में बीजेपी की खींचतान के बीच प्रदेश स्तरीय टीम अंतिम नाम पर मोहर लगाएगी। हनुमानगढ़ी के महंत भी मेयर की टिकट की दौड़ में। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का बीते दिनों जमीन से जुड़े मामले में नाम आने की वजह से टिकट कट सकता है। फिलहाल ऋषिकेश उपाध्याय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से खुद की दावेदारी दोबारा से मजबूती से पेश कर रहे हैं। ऋषिकेश उपाध्याय के अलावा अयोध्या की महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास चर्चा में सबसे आगे चल रहे हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।